YouTube ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं करंट के मुद्दे पर, और करंट का ऐसा मुद्दा जो अभी विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ देश यानी महाशक्ति, जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने की पावर में हमेशा रहता है, पूरे वर्ल्ड का पुलिसमैन बना रहता है, उसको परेशान किया हुआ है। वहां पे यूएस पहले ही कोविड-19 से परेशान था। जो महामारी पूरे वर्ल्ड में फैली है उसमें यूएस में सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। अभी तक की संख्या के हिसाब से, अभी तक की केसेस के हिसाब से यूएस सबसे ज्यादा परेशान है। उसके बावजूद वहां पे एक नई तरह की प्रॉब्लम ने आ गई है, प्रॉब्लम शुरू हो गई है, जो कि आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी बारूद के ढेर में जैसे लगी है और पूरा तबाही मच चुकी है। ये थोड़ा एग्जेजरेट हो जाएगा चीजों को कहना, लेकिन हाँ, अगर यूएस के पर्सपेक्टिव में बोला जाए तो ये उसके लिए बड़ी बात है। जिस कंट्री में छोटा छोटा विरोध भी मायने रखता है, वहां पे लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बीभत्स ये आंदोलन है। इन सब पर हम बात करेंगे, इन सब के कारणों की पड़ताल करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो प्रेजेंट का जो सिनेरियो शुरू हुआ है, वो एक पुलिसमैन था, उसने एक व्यक्ति का नाम है जॉर्ज फ्लॉयड को एज अरेस्ट करने या इंट्रोगेट करने के नियत से गया था, और उसने लगभग 8 से 10 मिनट उसके गले पे पैर रख के उसको सफोकेट किया। इवन वो व्यक्ति बोलता रहा कि आई कांट ब्रीथ ऑफिसर, ये बोलते हुए उसने दम तोड़ दिया। ये एक अगर क्रिमिनोलॉजी के रूप में देखें तो एक छोटी सी घटना है कि पुलिस ने किसी क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश की और उसमें क्रिमिनल की मौत हो गई। लेकिन अगर इसको खंगालें, अगर इसको जांच पड़ताल करें, तो ये बहुत बड़ा मामला बनता है। और यहीं से शुरू होता है व्हाइट वर्सेस ब्लैक, यानी रंग भेद, यानी नस्ल भेद, जिसको 20वीं शताब्दी में बहुत सारे कंट्रीज ने फेस किया था। ऐसी कंट्रीज जो कि डेवलप होना चाह रही थी, ऐसी कंट्रीज जो कि डेवलप हो चुकी थी, उनको भी इनका बहुत बड़ा सामना करना पड़ा। उन कंट्रीज में यूएस भी एक था, उन कंट्रीज में साउथ अफ्रीका था। यूएस में आपने मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना होगा, साउथ अफ्रीका में आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा। इन लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी इस रंगभेद के खिलाफ। इतिहास और पीछे ले जाता है, लेकिन उस इतिहास में नहीं जाएंगे हम। यहां पे ये बात करेंगे कि इस रंगभेद ने अभी प्रेजेंट सिनेरियो में कैसे एक छोटी सी घटना को एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले लिया, ये आंदोलन बन गया है। आंदोलन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि ये मार्टिन लूथर किंग, जिनका हमने नाम लिया यूएस में, इनसे जुड़ी घटना है उसकी हम बात करते हैं, जिससे आपको मैं लेके चलूंगा कि हाँ, कारणों की पड़ताल करूंगा, साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि इसका आगे क्या मायने हैं, प्रेजेंट में ऐसा क्यों हो रहा। मार्टिन लूथर किंग से जुड़ी घटना है, जब उनका असैसिनेशन होता है, यानी उनकी हत्या होती है, और हत्या का कारणों में आप समझ सकते हैं कि ब्लैक वर्सेज व्हाइट, उनके जो शानदार पीसफुल आंदोलन चले थे लंबे समय तक, क्योंकि वो गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे, हमारे देश के गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे, उस हिसाब से उन्होंने आंदोलन चलाए थे। इसके एवज में उनको अपनी जान देनी पड़ी थी, जैसा गांधी जी के साथ भी हुआ था। उसके बाद पूरे यूएस में बड़े बड़े शहरों में दंगे हुए, लेकिन एक प्रांत ऐसा था, नाम मैं लेना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है, इंडियानापोलिस। वहां के गवर्नर थे, मेयर थे, जिनका नाम था रॉबर्ट एफ कैनेडी। कैनेडी से आपको कुछ याद आया होगा, ये यूएस के राष्ट्रपति भी थे कैनेडी, जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, तो आप सही याद कर रहे हैं। वो 35वें राष्ट्रपति थे, उनके भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी थे, जो कि उस समय 1968 में वो उस प्रांत इंडियानापोलिस के मेयर थे। जब ये घटना हुई, जब दंगे शुरू हुए, तो ये व्यक्ति दंगाइयों के बीच में जाता है, वहां पर बैठ जाता है और बोलता है, मैं हूं व्हाइट, आप मुझे मारिए, मेरी हत्या कर दीजिए, आपका रोष खत्म हो जाएगा। और आपको ताजुब होगा कि उसके बाद उस शहर में दंगे नहीं होते। यहां पे लीडरशिप का रोल आता है,
कि आपका लीडर कैसे काम कर रहा है, आपका लीडर क्या कर रहा है। आपने प्रेजेंट सिनेरियो में देखा होगा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बर्ताव और उनकी जो दंगों को दबाने की कोशिश, दंगों से निपटने की कोशिश बिल्कुल इसके पलट थी। उन्होंने सिंपथी नहीं दिखाई, उन्होंने एम्पथी नहीं दिखाई, इसके अपोज में उन्होंने मिलिट्री उतारने तक की बात कर दी, पुलिस को और एक्टिव कर दिया, खुद बंकर में छिप गए कुछ दिन के लिए। ऐसी रिपोर्ट्स कंफर्म रिपोर्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने फिर बोला कि नहीं मैं बंकर में केवल टेस्टिंग के लिए गया था, तो बात नहीं करेंगे। लेकिन बस कहना इतना है कि उन्होंने लीडरशिप तत्परता नहीं दिखाई। जो लीडर को एक्टिव होना चाहिए, टाइम पे एक्टिव हो जाए जिससे किसी चीज बड़ी चीज को, बड़ी घटना को रोका जा सके, वो नहीं हुआ। हमने बात ये की, इसके बाद हम बात करेंगे कि ये आंदोलन इतना हिंसक कैसे होता गया, इस आंदोलन को हिंसक बनाने में क्या किसी संगठन का हाथ है या आसानी अचानक से भीड़ जुटी और उसने आंदोलन को हिंसक कर दिया या कोई भी कोशिश करने लगे। तो इसमें एक संगठन का नाम आता है एंटीफा, जो संगठन, संगठन नहीं बोल सकते इसको, ऑर्गेनाइजेशन नहीं बोला जाएगा, ग्रुप ऑफ पीपल बोल सकते हैं, एक मूवमेंट बोल सकते हैं। एंटीफा का फुल फॉर्म अगर इसको हम अलग अलग करें तो एंटी फासिस्ट, फासिस्ट। अब फासिस्ट क्या है, इस पे आपका ध्यान जा रहा होगा कि फासिस्ट वर्ड क्या है, ये फासिस्ट होते क्या है। फासिस्ट आप समझ लीजिए हिटलर, हिटलर एक फासिस्ट था, मुसोलिनी एक फासिस्ट था, ये तो हुई सामान्य समझ। अब हम इसको आपका एग्जैक्ट डेटा देने की कोशिश करते हैं। 1920s में मुसोलिनी ने एक संगठन बनाई, एक पार्टी बनाई, नेशनल फासिस्ट पार्टी। उस पार्टी का जो, हर पार्टी का अपना कुछ ध्येय वाक्य होता है, कुछ उसके सिद्धांत होते हैं। इस पार्टी का एक सिद्धांत था राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र फर्स्ट, रेस फर्स्ट। तो जो राष्ट्र और रेस को मान्यता देते हैं, प्रमुखता देते हैं, वो मोस्टली फासिस्ट माने जाते हैं। राष्ट्र और नस्ल, ये दो चीजें अगर किसी किसी कंट्री के लीडर में है या किसी व्यक्ति में है तो फासिस्ट की श्रेणी में आता है। अब किसी व्यक्ति में है तो व्यक्ति से बहुत कम लोगों का नुकसान होगा क्योंकि वो चार लोगों से जुड़ा होगा, लेकिन अगर किसी लीडर से, लीडरशिप में है या लीडर में है तो उससे पूरी कम्युनिटी का नुकसान होता, सकता देश का भी नुकसान हो। शुरुआती फायदे मिलते हैं लेकिन उसके बाद लोगों में ईर्ष्या पनपती है, वैमनस्यता पनपती है। हिटलर का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसने जर्मनी के लिए बहुत अच्छा किया, शुरुआत में जर्मनी को बहुत अच्छे तेजी से विकास के पथ पे लेके गया, लेकिन उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुआ जिसका कारण वही था, ठीक है। तो ये एंटीफा जो है ये 1920 से सक्रिय है लेकिन बीच बीच में इसकी उपस्थिति दिखती है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है, चाहे यूरोप हो चाहे यूएस हो, जब भी ऐसी कोई घटना होती है जिसमें व्यक्तिवाद को चुनौती दी जाती है, व्यक्तिवाद क्या है, मतलब पर्सनल राइट्स को चुनौती दी जाती है, तो ये संगठन आगे आ जाता है। अब ये संगठन क्या, इसका मोटो क्या है, इसका ध्येय वाक्य क्या है, या किस हिसाब से काम करता है, ये चाहता है त्वरित परिवर्तन। त्वरित परिवर्तन को समझिएगा थोड़ा सा, त्वरित परिवर्तन को अगर आप जोड़ सकते हैं तो क्रांति से जोड़ सकते हैं। क्रांति क्या होती है, क्रांति मतलब तीक्ष्ण। जैसे हम बोलते हैं कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, तब हम बात करते हैं 1857-1850 से लेके 1947 तक की बात, लेकिन हम बोलते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति, तब हम केवल पर्टिकुलर 1857 की बात करते हैं। समझिए कि ये जो क्रांति होती है ये तीक्ष्ण परिवर्तन चाहती है। 1857 में क्या हुआ था, तुरंत लीडरशिप को चेंज करने की कोशिश की गई थी, जो हमारे मूल्य हैं, वैल्यूज हैं, उन पर फोकस नहीं किया गया था, जो हमारी कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश नहीं की गई थी। अब इसके अपोजिट में गांधी जी का एग्जाम्पल लीजिए, गांधी जी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, चरखा चलाया, खादी को प्रमोट किया, अछूतों को उनको जगह दिलाने के लिए, दलितों को दिलाने के लिए आंदोलन किया, तो ये पूरा आंदोलन था, आंदोलन में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। तो ये क्रांति चाहता है, एंटीफा चाहता है त्वरित परिवर्तन। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हिंसा भी जायज ठहराता है, हिंसा को अपने इसमें आंदोलन में स्थान देता है, ठीक है। तो इसलिए जो अभी का दंगे वाला सीन बन रहा है, दंगे हो रहे हैं, उनमें इन संगठन का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा जो कुछ और पॉइंट हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो एक 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 पर्टिकुलर पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ कि कोविड 19 के बाद
यानी कोरोना के बाद यूएस अभी बहुत परेशान है। जब कोई देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो वहां पे सामाजिक बुराइयां अपने आप उभर आती हैं। लोगों के जेब में पैसा नहीं रहेगा, लोगों को खाने को नहीं होगा, तो लोग पेट भरने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इसको आप इस तरह समझिए, अगर किसी देश में आर्थिक स्थिति नीचे होती है तो चोरी, डकैती, छिनैती, हिंसा ये सब बढ़ती है। ये है दूसरा कारण कि अभी यूएस की हालत बहुत खराब है, और यूएस ऐसा कंट्री है जिसमें सोशल सिक्योरिटी बहुत कम है। यानी सोशल सिक्योरिटी मतलब जैसे हमारे यहाँ पेंशन योजना चलती है, आवास योजना चलती है, गरीबों को मदद दी जाती है, सब्सिडी जाती है। यूएस पूंजीवादी देश है, वो सोचता है कि खुद कमाइए खुद खाइए, चारवाक दर्शन पे जीने वाला है, आज कमाया आज ही खाएंगे, कल का हमें फिक्र नहीं है, यानी बचत भी नहीं करता है। तो इसलिए इस चीज में हवा देने में इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। आगे हम बात करेंगे कि ये तीसरा जो है, मैंने पहले ही बात की थी कि लीडरशिप का रोल बहुत ज्यादा है, लीडरशिप ने सही से काम नहीं किया। चौथा एक और पॉइंट है पुलिस की भूमिका, पुलिस की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पुलिस ही है जो लोअर लेवल पे क्राइम डील करती है। कानून बनाना एक अलग चीज है, विधानसभा या राज्यसभा में बैठ के या लोकसभा में बैठ के कानून बनाना, संसद में बैठ के, लेकिन जो कार्यकारी है वो मेन कार्यकारी पुलिस है, और उसमें से भी लोअर लेवल वाली पुलिस, पुलिस की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए जब भी पुलिस की ट्रेनिंग होती है तो उसमें प्रॉपर पढ़ाई कराई जाती है, प्रॉपर हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। हथियारों की ट्रेनिंग देने से ज्यादा जरूरी है हथियारों को चलाने के लिए जो दिमाग चाहिए, जो मूल्य चाहिए, वो जरूरी है, कब यूज करना है कब नहीं यूज करना है। पुलिस की भूमिका बहुत संदिग्ध होती है, हो रही है वहां यूएस में बहुत संदिग्ध है। क्यों? क्योंकि पुलिस की ट्रेनिंग मात्र 5 महीने की ट्रेनिंग होती है, और उसके जो उसके पीछे के जो क्वालिफिकेशन है वो भी बहुत ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे जो ऑफिसर्स आते हैं उनके अंदर एम्पैथी बहुत कम होती, उनको रेस और ये सब चीजें बहुत नहीं समझाई जाती। तो पुलिस की इसके कंपेरिजन में मैं नॉर्वे की बात करता हूँ। नॉर्वे में 3 साल की ट्रेनिंग होती है, 3 ईयर्स की ट्रेनिंग होती है पुलिस की, तो आप समझ सकते हैं कितना डिफरेंस है। यहाँ आप इसको अपने कंट्री से भी देख सकते हैं, सोच सकते हैं समझ सकते हैं कि क्या अपने कंट्री में क्या हालात है। पुलिस में सुधार की कब से बात चल रही है हमारे यहाँ, कब से बोलते जा रहे हैं सुधार होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, इसकी जरूरत है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि कोविड-19 से रिलेटेड है कि जो ब्लैक पीपल हैं वो कोविड-19 में का बहुत ज्यादा शिकार हुए, जो मरने वाली संख्या थी वो इनकी ज्यादा थी, कंपेरिजन ये लोग ज्यादा इनकी मौत हुई कोविड-19 की वजह से, ज्यादा परेशान रहे। तो ये भी एक रीजन है कि ब्लैक पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, व्हाइट पे ज्यादा ध्यान दिया गया। और सबसे बड़ा एंगल जो है वो है पॉलिटिक्स, है इलेक्शन इस साल, यहां वहां पे है इलेक्शन यूएस में, और जब इलेक्शन में होता है तो कुछ पार्टियां सपोर्ट करती हैं कुछ लोगों का, कुछ पार्टियां कुछ लोगों का, यानी डिवाइड एंड रूल, डिवाइड कर दीजिए आप, एक तरफ धड़ा उनके पास आ जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन अमेरिका एक काफी डेवलप कंट्री है, वहां पे ये करना इतना आसान नहीं है। तो कोशिश हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज में, वहां पे जो सरकार है वो भी शामिल है, विपक्षी भी शामिल है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि ये दंगे जल्द से जल्द रुके, लोगों को समझ में आए। और सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि कोविड-19 की महामारी जैसे ही खत्म होगी कुछ ही दिनों में सब नॉर्मल हो जाएगा। इस वीडियो में हमने आपको पूरी कोशिश की है हर चीज को समझाया जाए बताया जाए। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू।